अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके लिए आपको बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए, बिकॉज इफ सच पीपल आर इन योर लाइफ दैट मीन्स यू आर रियली ब्लेस्ड. वो लोग जो आपको समझते हैं, वो लोग हैं जो लिसनर्स भी हैं, जो आपकी बातें सुनते हैं, जो आपकी बातों को समझते हैं. आप जब उनसे कुछ कहते हैं तो उस चीज को एकदम से जज करने के बजाय वो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आप कैसा फील करते हो. अगर आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसे पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके कलीग्स ऐसे हैं, तो दैट मीन्स यू गॉट अ ब्लेसिंग. सो ऑलवेज 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 वैल्यू देम. नंबर टू, वो लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, पीपल हु चेक ऑन यू. सी, इस लाइफ में ना सबके पास हजारों चीजें हैं करने के लिए, बट उसमें से टाइम निकाल के जो आपके टच में रहता है, जो आपके लिए एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए रेडी है, जो सेल्फलेस है, जो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार है विदाउट यू आस्किंग देम टू डू समथिंग फॉर यू, वो लोग स्पेशल हैं. उन लोगों का आपको ध्यान रखना है. दे आर ब्लेसिंग इन योर लाइफ एंड वो आपकी एनर्जी इनहांस ही करेंगे, आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं करेंगे. पीपल विद हुम यू कैन शेयर योर ट्रू फीलिंग्स, वो लोग जो टॉलरेंट हैं आपकी लाइफ में, जो आपके मे बी यू नो नेचर को भी आराम से डील कर पा रहे हैं. दे आर टॉलरेंट, दे आर नॉट सरकास्टिक, दे आर नॉट लाइक कंप्लेनिंग, दे डोंट हैव कंप्लेनिंग एटीट्यूड, दे डोंट पिन पॉइंट लिटिल थिंग्स. वो लोग आपकी लाइफ में अच्छा ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं होगी, आपकी एनर्जी इन्हांस होगी, क्योंकि वो लोग आपको समझते हैं. कई बार हो सकता है आपके मूड टेंट्रम्स हो, बट दीज पीपल दे विल नॉट जज यू फॉर दैट. दे विल अंडरस्टैंड, ठीक है चलो मूड खराब है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेट मी गिव स्पेस टू दिस पर्सन, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग. पॉइंट नंबर 5, पीपल हु आर अवेलेबल फॉर यू. आप डिस्ट्रेस में हैं, हो सकता है वो भी बिजी हो, आपने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, बट दे मेक श्योर दे कॉल यू बैक, दे मेक श्योर दैट दे एटलीस्ट ड्रॉप योर मैसेज, दे मेक श्योर दैट दे यू नो मे बी ड्रॉप योर टेक्स्ट इन दैट केस. कभी भी आपको ज़रूरत है वो लोग आपके साथ हैं, आपको इग्नोर नहीं करते, आपकी चीज़ों को वैल्यू करते हैं. उन लोगों को आपको वैल्यू करना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और वो लोग आपकी लाइफ में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. आपकी एनर्जी अगेन ड्रेन नहीं होगी, एनहांस ही होगी. 6, पीपल हु हेल्प यू ग्रो. देर आर पीपल, सी यू माइट फाइंड कलीग्स इन योर ऑफिस, यू माइट फाइंड यू नो योर फैमिली मेम्बर्स आर वेरी इनकरेजिंग, जो आपको बहुत इनकरेज करते हैं. मे बी देर आर पीपल हु आर वर्किंग इन सेम प्रोफेशन, येट दे आर वेरी यू नो देर फ्रेंड्स एंड देर लाइक वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. ये बहुत रेयर होता है पर बहुत ही ब्यूटिफुल चीज़ है. अगर आपकी लाइफ में कोई आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है कि आप ग्रो करो, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अ ट्रू ब्लेसिंग इन योर लाइफ. क्योंकि इस लाइफ में अगेन लाइक ए शेयर, लोग अपने परेशानियों में ही परेशान रहते हैं, अपनी चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि कोई रेस है जिसमें भाग रहे हैं, पता नहीं क्या अचीव करना है, बट इस रेस में वो पीछे देखना भूल जाते हैं कि पीछे कौन है, क्या कोई और है जिसको शायद हाथ जिसका पकड़ना है और उसको ऊपर लेकर आना है. क्योंकि जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो आपको गिरने नहीं देते, वो लोग आपकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आए हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कर्मास कुछ अच्छे रहे हैं, इसलिए वो लाइफ में आपके आए हैं. प्लीज नेवर नेवर टेक देम फॉर ग्रांटेड. उनके साथ आपको बिहेवियर भी अच्छा रखना चाहिए, बिकॉज वो समझ तो जाएंगे आपको, बट बार बार अगर आप बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं रखेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टेप बैक भी कर सकते हैं. एंड वी डोंट वॉन्ट टू लूज रेयर जेम्स, राइट? अगर आपके हाथ में कोई ट्रेजर बॉक्स लग जाए, कि आप उसको चाहते हैं कि वो आपके हाथ से निकल जाए, नहीं ना, इसी तरह से वो भी ट्रेजर है आपकी लाइफ में, आपको उनको वैल्यू करना चाहिए. और अपनी एनर्जी जैसे आप रेस करते हैं उन लोगों के थ्रू, उन लोगों के सपोर्ट के थ्रू, उसी तरह से आपका भी क्या फर्ज बनता है, आगे उसको भेजने का है, आपको आगे उसको स्प्रेड करना है. एनर्जीज और वट एवर गुड थिंग्स दैट यू गेट इन योर लाइफ, इट इज़ नॉट मेंट टू बी क्लोज, इट इज़ नॉट मेंट टू बी नॉट शेयर्ड, इट शुड बी शेयर्ड ओपनली. सबसे बांटना ज़रूरी है. अगर कुछ चीज़ अच्छी बदलते हैं अपने आप में तो उसको अपने लिए ना रखें, दूसरों को ज़रूर दें. क्यों? बांटने से बढ़ता ही है. आप जो भी यूनिवर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वही वापस आएगा. अगर आप प्यार देते हैं तो प्यार ही मिलेगा, और अगर आपको प्यार मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने वो प्यार दिया है, वही किसी ना किसी के थ्रू आपको मिल रहा है.
Yeah. So guys, I hope you like this video. अगर आपको कुछ share करना है, please do share. आप कैसे पहचानते हैं अपने life में लोगों को? किन लोगों को आप अपनी life में entry देते हैं? किन लोगों से आप distance maintain करते हैं? If you have something interesting to share, please do share on the comment below. Also, I'm on Instagram. My ID is soul_heal_anju. अगर आप मुझे follow वहाँ करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी follow कर सकते हैं. Please take care of yourself. Keep improving. Namaste.